क्राइम स्टोरी में आज लखनऊ पुलिस ने कैसे शातिर चैन स्नैचरों को दबोचा, इस बड़ी वारदात का हम खुलासा करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। लखनऊ की क्राइम टीम और आशियाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसका खुलासा डीसीपी पूर्वी ने करते हुए बताया कि पुलिस ने शातिर चैन स्नैचर को दबोच लिया। इस घटना को लेकर आशियाना पुलिस ने 20 किलोमीटर तक की रेंज में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, तब जाकर शातिर आरोपी कल दबोचा गया। लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए युवक अपराधी बन गया, लूट की घटना को अंजाम दे डाला। आरोपी के पास से माल और गाड़ी भी बरामद कर ली गई। इसको लेकर डीसीपी पूर्वी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही। इस तरह के अपराध पर लखनऊ पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही। डीसीपी पूर्वी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं और किस तरह से शातिर गिरोह की चैन स्नैचिंग की बड़ी वारदात को अंजाम देता है। आशियाना पुलिस ने इस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। आशियाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, वही डीसीपी ने इसका बड़ा खुलासा किया है। ये डीसीपी कैंट एसएचओ आशियाना के नेतृत्व में जगजीत सिंह नाम के बदमाश की गिरफ्तार की गई है, जो आलमबाग थाना क्षेत्र में सरदारी खेड़ा का रहने वाला है। इस बदमाश के द्वारा बैक टू बैक 3 तारीख और 5 तारीख को दो वारदात चेन स्नैचिंग की गई थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली वारदात किसान पथ के पास में की गई थी और दूसरी वारदात आशियाना थाना क्षेत्र में की गई थी। दोनों वारदातों का समय और स्थान इस प्रकार का था कि ये वीडियो फुटेज में ना सके। इसके द्वारा हेलमेट का प्रयोग किया गया और मुंह पे कपड़ा बांधा गया। इसके अलावा जो स्कूटी के द्वारा प्रयोग की गई थी उसकी नंबर प्लेट इसके द्वारा पहले से मोड़ ली गई ताकि किसी भी तरीके की सीसीटीवी फुटेज में ये ना आ सके। परंतु मैं आशियाना पुलिस को, एसीपी कैंट को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि इनके द्वारा बड़ी मेहनत के द्वारा इस केस को वर्कआउट किया गया। लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी फुटेज छाने गए, उसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से स्कूटी वेरीफाई की गई और ये लड़का वेरीफाई किया गया। इस बदमाश के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि अपनी वाइफ को लेकर के ये पहले नैनीताल और फिर मसूरी घूमने के लिए गया वारदात के ठीक कमिट करने के बाद में। और वारदात करने का कारण था कि इसको इसका माल बेच करके ये जो है इसके पैसे से उसको हिल स्टेशन घुमा सकें। और ये वारदात में जो माल है वो रिकवर किया गया है, दोनों चेन रिकवर की गई हैं और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। रिकवरी के साथ में इस बदमाश को आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जा रही है। इसके अलावा क्या कार्यकर्ता था इसको? इसके अलावा ये बेसिकली ज्वेलरी का ही काम करता है कुछ और छोटे मोटे मैकेनिकगिरी का काम करता है, इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये वारदात जो इसने कारित करी है, पहली बार ये बदमाश लाइट में आया है और लाइट में आने का जो कारण है वो सीसीटीवी फुटेज है। इससे पहले भी इसके द्वारा कोई वारदात की गई या नहीं इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ जारी है। प्रोफेशनल नहीं है ये, प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह ही वारदात की गई है। मैंने आपको जो मोडस ऑपरेंडी बताया वो अपने आप में बताता है कि इसके द्वारा किसी वारदात को करने से पहले किस तरीके का होमवर्क किया गया और उस होमवर्क के द्वारा करने के बाद में किस तरीके से अपनी वारदात को अंजाम दिया ये बताता है। अर्ली मॉर्निंग में दोनों वारदातें की गई हैं। जब अर्ली मॉर्निंग में महिलाएं अपने घर से निकलती हैं तो ज़्यादातर अकेली होती हैं मॉर्निंग वॉक करते समय में, उस समय वारदात की गई है। ये मोडस ऑपरेंडी पूछा कहाँ से है, ये पेशेवर लुटेरा नहीं है तो किसी यूट्यूब से या किसी ने बताया द्वारा? देखिए, जैसा मैं जहाँ तक हम अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर क्रिमिनल अपना एक मोडस ऑपरेंडी बनाता है। हर एक बदमाश का प्रयास ये होता है कि वो बदमाशी करे लेकिन पकड़ा ना जाए। उसी तरीके से इसके द्वारा ये तरीके अपनाए गए कि किसी भी तरीके से इसकी गिरफ्तारी ना हो सके, ये पहचान में ना आ सके। परंतु उसका हुलिया, उसकी हाइट और उसके द्वारा जो स्कूटी प्रयोग की गई थी वो पिक्युलर कलर की थी, जिसके कारण हम उसे पकड़ सकते। इसकी पत्नी इसको प्रेरित? देखिए, अभी इसमें और बहुत अर्ली है कुछ भी कहना, लेकिन जैसी वारदात ने करी है मेरा मानना यह है कि ये कहते हैं लविश लाइफ स्टाइल के आदि, जैसे आजकल के युवा हैं उस तरीके की बात मुझे लगती है। एक लविश लाइफ स्टाइल जीने के लिए शॉर्टकट जो अपनाते हैं उस तरीके का युवा है ये, और भटका हुआ
युवा कहलाए। शादीशुदा है ये? हाँ, जो ऐसा पता चला है शादीशुदा है उसे भी वेरीफाई कराया जा रहा है। घटना में किसी की मदद की जरूरत? देखिए, जो वारदात है और जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली थी उसमें इसका कोई और साथी नहीं था, ये इसके द्वारा सोली वारदात की गई है। थैंक यू।